नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है डेली की डेली मुझे वीडियो डालनी है और आज से 11 तारीख से कोर्स स्टार्ट है। तो ये इनका सिलेबस ही है और हमने इससे काफ़ी दिन पहले मैंने सिलेबस भी डाल दिया था। देखिए क्या करना है, जो कमज़ोर बच्चे हैं वो तो नर्सरी वाला क्लास जो फिर वीडियो डाली है उसको देखेंगे, जो कमज़ोर बच्चे हैं नर्सरी इससे पहले जो वीडियो डाली है उसमें, और थोड़ा उससे अच्छे बच्चे हैं LKG हैं वो क्या करेंगे, ए इस तरीके से बनाएंगे। ए बनाने के बाद उनका काम क्या रहेगा, सेम राइट रहेगा, यानी देखकर लिखना है। ये LKG और शिशु के लिए है, देखकर लिखना। देखकर लिखना कैसे, पहले दिन यानी कि आज 11 तारीख को आप हिंदी की कापी पे आ और पढ़ा बना देंगे पूरी लाइन में, आ पढ़ा आ पढ़ा ऐसे, वो नीचे सारी लाइन में फिर उनके डैश कर देना, वहीं वहीं वो बच्चे आपके लिखेंगे। ABCD में क्या करना है, ए ए ए बना देना ऊपर वाली लाइन पे, नीचे डैश कर देना, जहाँ जहाँ पॉइंट लगा दोगे वहीं वहीं बच्चे नीचे पूरा देख कर लिखेंगे। यही गणित की कॉपी में करना है, वन वन बना देंगे एक लाइन में, या फिर ऐसे लाइन में बना दीजिए तो सामने जो है देख देख कर लिखेंगे। इसी तरीके से कल 12 तारीख का काम ये रहेगा कि छोटी बड़ी बनानी है, 13 तारीख का छोटा हो बड़ा हो, 14 तारीख का आ आ यानी कि फिर रिपीट करना है आ और ई, फिर बड़ी ई छोटा हो बड़ा हो ए आई ओ ओ। 17 तारीख तक का ये है, इसी क्रम में आप डेली काम देंगे। आपको अगर थोड़ा बहुत ज़्यादातर ये सारी चीज़ें तो सभी जानते होंगे, पर नहीं भी जानते हैं तो आपके घर में कोई ना कोई बच्चा पढ़ रहा होगा बड़ी क्लास में, वो इस तरीके से दे सकता है और बच्चों को करा सकता है। इसी तरीके से ए 11 तारीख में ए देना है, 12 में बी, 13 में ए और बी दोनों में, 14 में सी और 15 में डी, 16 में CD CD और 17 तारीख में जो भी है उसका रिपीट पूरा ABCD। इसी तरीके से मैथ में 1 2 फिर 1 2 1 2 फिर 3 3 4 4 फिर 1 2 3 4 1 2 3 4 रिपीट। इसी तरीके से आप एक हफ्ते का काम लीजिए। अगले मंडे में 18 तारीख में हम आपको इसके आगे का सिलेबस बताएंगे, किस तरीके से घर पे बच्चों को पढ़ाना है, इनका कोर्स का है सिलेबस का है। इसी तरीके से थोड़ा बहुत आप लोग मेहनत करते रहें जिससे कि जो है बच्चे घर पे बैठे हैं कुछ ना कुछ अवश्य सीखेंगे, और अगर इतने दिन घर पे ऐसे ही बैठे रहे तो शायद है कि जितना जानते थे वो सारा सब कुछ भूल जाएंगे। थोड़ा सहयोग की अपेक्षा है आपसे, धन्यवाद और थोड़ा सहयोग। थैंक यू।